बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर इब्राहिम का नया गाना आया पंजाब, सुना गया है कि गाना बहुत अच्छा है, तो बहुत से लोगों ने उस पर रिएक्शन किया है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इब्राहिम के इस गाने पर रिएक्शन करके देखें। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चले। चलें इस सॉन्ग की तरफ देखते हैं क्या ख़ास बात है इसमें, क्या सॉन्ग में अच्छी चीज़ें हैं। आप भी देखें, हम भी देखें और फिर मिलके देखते हैं, सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। मैं यहाँ एक बात ऐड करता चलूं कि पंजाब बेसिकली पांच दरिया जो हैं वो पंजाब में बहते हैं, इसलिए इसको पंजाब का यानी पांच आब यानी पांच दरिया, तो पांच दरियाओं का मिलाकर इसका नाम रखा गया है पंजाब। आशिक भी हैं, आशिकों के बहुत से भी किस्से हैं, वो भी पंजाब की धरती पे हैं। और उसके बाद वलियों की जमीन जो है वो मुल्तान, और उसके बाद लाहौर दाता गंजबख्श फैज़े आलम, और आज से बहुत से वली हैं जो पंजाब की धरती पे हैं। तो उसी बात का जिक्र इस जगह पे हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इब्राहिम लग जो है वो बहुत बड़े दिमाग का बंदा है। इसके जो सॉन्ग्स के लिरिक्स होते हैं ये खुद लिखता है, कोई और बंदा इसके लिरिक्स नहीं लिखता, और लिखता है। इसकी इमेजिनेशन को आप अपने दिमाग में रखिए कि इसकी इमेजिनेशन कहाँ तक जा रही है, कितनी गहराई में जा रही है, और किस जगह पे जाके लाइन को फिट करता है, करके फिर अल्फाज बना के उसको अपने सॉन्ग की शक्ल में, अपनी सोच को सॉन्ग में देता है। क्या खूबसूरत पाकिस्तान है, जन्नत है दुनिया में, जन्नत के छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान है। लाहौर में जो एक बस सर्विस TDCC है, वहाँ पे डबल डेकर बसें भी चलती हैं। आप लाहौर के कोने से बस में बैठते हैं और उस बस के ट्रैक पे पूरा लाहौर एंजॉय कर सकते हैं। साल्ट रेंज खेड़ा की नमक की खान जो कि पंजाब में है, दुनिया की दूसरी बड़ी जो है वो नमक की खान खेड़ा में है। बगल में करतारपुर के बाद जो अहम चीज है वो ननकाना साहब सिखों का एक मजहबी मुकाम है, उसका भी जिक्र इस वीडियो में आया है। जो एक अहम चीज हमारे पंजाब में पाई जाती है वो यहाँ के खाने हैं, और खाने जो है वो देसी खाने, प्योर जो यहाँ की जमीन से उगते हैं वहीं से खाने बनते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, फैसलाबाद जो है वो जुगतों का गढ़ माना जाता है कि आप वहाँ पे जाएं, इवन कि आप बस स्टैंड पे भी जाएं, किसी रिक्शे वाले के साथ बैठें या किसी से बात भी करें तो फैसलाबाद में आपको जुगत लाजमी पड़ती है। वह इब्राहिम सब खुद इस मौके पे हंस रहे हैं कि हाँ, फैसलाबाद में जाए तो आपको वहाँ जुगत लाजमी पड़ती है। ये एक पढ़ी लिखी बात है, अगर बंदा फैसलाबाद का और वो जुगत ना मारे ऐसा हो नहीं सकता। जो बंदा फैसलाबाद में रहकर जुगत ना मारे उसे फीका समझा जाता है, लेकिन फैसलाबाद के लोग बहुत जुगते मारते हैं कॉमेडी के हिसाब से। ये बात एक ही है, मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ कि मेरा बहुत ताल्लुक नारोवाल से, नारोवाल से मेरा गांव तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। तो नारोवाल में जो हमारे वैसे मशहूर है कि लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, ऑलमोस्ट हमारे हर रोज या लंच में या डिनर में हर रोज चावल जरूर पकेंगे। 30 दिन में आपको हर रोज चावल जरूर मिलेंगे। चावल कोई आम चावल नहीं, कर्नूल बासमती और उसके बाद सेला चावल, बहुत अच्छे चावल होते हैं हमारे नारोवाल के, और उसका जिक्र भी इब्राहिम लख ने अपनी वीडियो में किया है। अपने इलाके को कैसे भूल सकते हैं वो। सरगोदे का किन्नू पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी मैं यूएई दुबई इमारात में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ भी लोग सरगोदे का, जो गोरे लोग हैं वो भी सरगोदे का जो माल्ट है वो बहुत पसंद करते हैं, किन्नू पसंद करते हैं। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन है इब्राहिम लख की कि उन्होंने अपनी इस वीडियो में
छोटी छोटी चीजें को जो पिक किया है, जो आम बंदा जानते हैं उन चीजों को पिक किया और अपनी वीडियो में बताया। यार इस बंदे की ऑब्जर्वेशन को सलाम है, पूरा फिलोसफर है ये बंदा और ये अपने अल्फाज अपने गाने खुद लिखता है। जेलम में है, उसके बाद बहुत सी ऐसी जगह हैं, खेड़ा की नमक की कान है, उसके बाद मरी है, ऐसे बहुत से मकाम है जहाँ को आप उसको एक्सप्लोर करके सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। तो यही बात इब्राहिम लखनी इस जगह पे की है। इब्राहिम लखनी ने अपने कदीम जमाने को भी याद रखा इस सॉन्ग में, हड़प्पा हो या शाही किला हो या मीनार पाकिस्तान हो, हर चीज को उन्होंने याद रखा और बताया कि ऐसी चीजें भी पंजाब में शामिल हैं। मुगलिया दौर की भी बात हुई कि मुगलिया दौर में भी लोग यहाँ रहते थे। जो अपनी वीडियो के आगाज में उन्होंने कहा वली और आशिक भी पंजाब में शामिल है, वही चीज उन्होंने की कि बुल्ले शाह, दाता गंज बख्श और ही रंजा वो सब हाफ पंजाब में ही है, वो इन्होंने अपनी वीडियो के आगाज में कहा था, उसका जिक्र यहाँ पे हुआ है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग बनाया। हाँ जी, मुझे तो ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा आया है और मुझे इस बंदे के दिमाग पे इतना रश्क आता है कि ये छोटी छोटी चीजें पिक करके उनको अपने सॉन्ग्स में लाकर खुद लिखकर उन ऑब्जर्वेशन को अपने दिमाग के साथ, यार क्या उसने छोटी छोटी चीज़ों को इस सॉन्ग में पिक किया है, पंजाब की छोटी छोटी चीज़, मशहूर चीज़ें, अच्छी चीज़ें, खानों का जिक्र किया है, औलिया का जिक्र किया है, इब्रारुल हक की सोच और उसके अल्फाज को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया उन्होंने। इस जदीद दौर में इब्रारुल हक ने अपने कदीम ज़माने को भी नहीं बुलाया, अपने अबाऊ अजदाद को भी नहीं बुलाया, आपकी मिट्टी से अपने इश्क को नहीं बुलाया। तो मैं तो सलाम करता हूँ, इब्रारुल हक ने बहुत ही अच्छा सॉन्ग बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।